तो दोस्तों ऑर्डर की तरफ हमारा सफर जारी है, तो रास्ते में ये मंजर भी हमें देखने को मिला, माल मवेशी भेड़ बकरियां जा रही है कहीं पे, और ये जो गाना चल रहा है हमारे ड्राइवर जहांगीर भाई की फरमाइश है, उनकी चॉइस है। भाई हेलो हाई फ्रॉम अनोडक, ये कोयटा सिटी से तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव पर ये इलाका मौजूद है। आते हुए रास्ते में आपको सेब और खुबानी के बागात, उसमें सेब आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, जिस तरह भी आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे फूल अभी उगे हुए हैं और बाहर आमद आमद है, तो खामोशी है यहाँ, परिंदों के जो है ना चहचहाने की आवाज़ें आती हैं, इक्का दुक्का आपको टूरिस्ट भी नज़र आएंगे। और ये जो मंज़र है, ये खुबानी के आप देख सकते हैं फूल अभी उगा है। तो दोस्तों ओडक पहुंच के सबसे पहले तो मुझे अताज शाह साहब की एक गज़ल के अशारे वो याद आ रहे हैं, उसका एक शेर है कि कोहसारों की अता रस्म ही खामोशी, रात सो जाए तो बहता हुआ चश्मा बोले। और ऐसा ही था, पानी के बहने की आवाज़ें और जो खामोशी थी, उस खामोशी में पानी के बहने की जो आवाज़ है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, बड़ा मज़ा आता है। और जो दूसरी बात है, मुझे डार्विन याद आ गए, उन्होंने कहा था ना कि इंसान भी किसी ज़माने में बंदर हुआ करता था, तो इसी तरह जो है ना हम भी उछल कूद करते रहे। दोस्तों अगर आप कम या मुख्तसर दौरानिए के लिए कोयटा आए हुए हैं तो दो तीन ऐसी जगहें हैं जहां आप आसानी से जा सकते हैं, ओडक उनमें से एक है। आपको कोयटा शहर से 45 मिनट लगेंगे यहां पहुंचने में, और यहां जो खामोशी है और यहां जो सूरज के डूबने का जो मंज़र है उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपने तस्वीरें भी देखी, वीडियो भी देखी, नहायत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत मंज़र। ओडक के साथ ही एक और जगह है हन्ना झील, जो कि बरतानवी राज ने 1894 में यानी 1894 में ये मसनूई झील बनाई थी, तो यहाँ पे भी आया जा सकता है, एक ही दिन में इन दोनों जगहों पे आप कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ ओडक में ही इतने मसरूफ़ हो गए, यहाँ की जो खूबसूरती ने हमें इतना अट्रैक्ट किया और इतना सुकून यहाँ पे है कि हम वहाँ नहीं जा सके, हम सिर्फ इसी इलाके के सूरज के डूबने का जो मंज़र है उसको इंजॉय कर रहे हैं। एक तो नाम इतना मुश्किल है कि बंदा बार बार भूल जाता है, रास्ते में भी मैं भूल गया था। अब काफ़ी देर से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, और यहाँ की जो सबसे बड़ी और सबसे जो खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगी, बहता पानी है दो पहाड़ों के बीच में से, और जो आसपास जो रंगीन चट्टानें हैं और फिर बीच में सब्जा भी है, कुछ दरख्त हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं। बैकग्राउंड में आप पानी के बहने की आवाज़ भी आप शायद सुन रहे हो, बहुत ही पुरसकून माहौल। यहाँ पे कम ही लोग टूरिस्ट भी एक का दुका, क्योंकि इस मौसम में कम ही लोग आते हैं। तो यहाँ हमारे साथ भाई मौजूद है हमारे जहांगीर भाई, हसनैन और खान। खान ने बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाई है, हम घूम फिर के अभी वापस आ गए हैं, तो ये वो मकाम है, हमने यहाँ पे पड़ाव डाला हुआ है, चाय पीने के बाद हम वापस जाएंगे। तो आपको ये ओवरऑल ट्रिप कैसा लगा? सही है, ऐसी कौन सी और भी जगहें हैं जो आप जानते हैं कि इसी से मिलती जुलती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके हवाले से बता सकते हैं। तो अच्छा लगा तो वो भी बताइए, अगर बुरा लगा तो भाई बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है व्लॉग को, या जो हम जो जगह आपको दिखाते हैं उसको, तो आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। तो खुदा हाफिज़, मैं पकौड़ा खाऊँ। यार इन मनाजिर को देख के कसम खुदा की मुझे बहुत ज़ोर से शायरी आ रही है। कहते हैं ना कि दूर तक फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, दूर तक फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, आपके बादल में बहुत ही मेहरबानी हर तरफ। फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, अब के बादल ने बहुत की मेहरबानी हर तरफ। भाई
بلوچستان خصوصاً کوئٹہ کی ہم بات کریں تو صرف یہ جو علاقہ ہے اس پر قدرت بہت زیادہ مہربان ہے. یہ جو بادل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, دیگر جو قدرتی مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, نہایت ہی شاندار. ہاں ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ یہاں تصاویر بڑی اچھی بنتی ہیں, آپ ذرا دیکھ لیجئے.